स्वर्ण शक्ति स्वर्णकार महिला फाउंडेशन के बैनर तले बच्चों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में स्थिरता और प्राचीन भारतीय ज्ञान को शामिल करने की अपील। महिला फाउंडेशन द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। स्वर्ण शक्ति स्वर्णकार महिला फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपील की गई है कि बच्चों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में हर साल अनावश्यक रूप से कोई परिवर्तन न किया जाए। इसे न केवल बच्चों की शिक्षा में स्थिरता बनी रहेगी बल्कि इससे पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा, क्योंकि बार बार पाठ्य पुस्तकों को बदलने से पेड़ों की कटाई भी कम होगी, साथ ही पालकों को आर्थिक अनावश्यक बोझ का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही निवेदन किया गया है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों के ज्ञान को विषय के रूप में शामिल किया जाए, जिससे वे अपने महान संस्कृति सभ्यता और इतिहास से अवगत हो सकें और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। हमारी आशा है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। हमारे वो बच्चों की जो हर साल सिलेबस चेंज हो रहे हैं, वो सिलेबस चेंज नहीं होने चाहिए, और बच्चों के पेरेंट्स के भी भार पड़ता है और पर्यावरण पर भी भार पड़ता है। तो हम ये ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई जो बार बार आप सिलेबस चेंज कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी नुकसान तो बहुत है पर्यावरण पे, पेड़ की कटाई होती है हमारे, और बच्चों पे भार पड़ता है, पेरेंट्स पे भार पड़ता है, और बार बार वो खरीदारी करनी पड़ती है उनको, सिलेबस चेंज होता है तो बुक्स वगैरह, और ना तो किसी के काम आती है वो, हर साल की तरह चेंज होती है तो किसी के काम भी नहीं आती है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई बार बार चेंज नहीं हो सिलेबस, और जो जरूरत हो वही चेंज करो और ज्ञान पुराण की बातें उसमें शामिल करो, ताकि बच्चों पे थोड़ा असर रहे। वेद पुराण भी नहीं है, सारे चले गए वो भी, अब तो उन वेद पुराण की बातें भी डालनी चाहिए उसमें।